जिस तरह है समुंदर और लहरों का साथ, उसी तरह है अभिमन्यु और अक्षरा का साथ। दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे। अब ये बात जब हम समझ रहे हैं तो आप दोनों क्यों नहीं समझ रहे? चलिए लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में। दया, क्योंकि घर वाले उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और अभिमन्यु है जो समय की ओर देख रहा है कि कब और कैसे अक्षरा अपनी बेगुनाही साबित करती है। एक मिनट में ही बीतेगा अभिमन्यु। बार बार फोन देख रहे हो तो ये भी बता दो कि कितने घंटे बाकी हैं। 10 घंटे। अपना वादा याद है मुझे, भूलने तो मैं दूंगी नहीं। तो वहीं गोयनका परिवार में भी कायरव के आने के बाद सब खुश जरूर है, लेकिन अक्षरा की कमी उन्हें खल रही है। प्लीज मत पूछिए कुछ, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। कायरव, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जब तक तुम खुद किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन बेटा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम हमें बता सकते हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि हम सबकी सांसें अटकी है अक्षु के बारे में जानने के लिए। बेटा, सब बस इतना जानना चाहते हैं कि अक्षरा ठीक तो है। बड़े पापा, अगर सब ठीक होता तो हमारे सामने होती ना बड़े पापा। वो ठीक नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है वो। सब ठीक हो जाए, सिमे लगी हुई है। तो भाई अब देखना होगा कि आखिरकार कैसे अक्षरा अपनी बेगुनाही साबित करती है और कैसे मिलते हैं अभिमन्यु और अक्षरा।